और वेरिएबल्स क्या होते हैं वेरिएबल्स इंग्लिश के अल्फाबेट्स में से यूज किए गए वो लेटर्स होते हैं जिनका जो वैल्यू होता है वो अननोन रहता है और वेरिएबल को हम और क्या कहते हैं लिटरल भी कहते हैं सो so, हमें इसमें से क्या अलग करना है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सो जो जो नंबर है इंडिविजुअल जो नंबर से वो क्या कहलाएंगे कांस्टेंट। और जो वेरिएबल के साथ लिखे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे दैट मीन्स अल्फाबेट के साथ जो लिखे हुए हैं उन्हें हम वेरिएबल या लिटरल कहेंगे सो so, कॉन्स्टेंट में क्या क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट में सबसे पहले यहाँ फाइव है देन फोर बाय फाइव है और बाकी सब क्या है वेरिएबल से सो so, हम कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे फाइव एंड फोर बाय फाइव और वेरिएबल के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है थ्री वाई माइनस फोर एक्स देन फाइव बाय फोर एक्स वाई देन थ्री एक्स बाय वायन एट बाय फोर एक्स देन माइनस एक्स वाई बाय थ्री वाय नंबर क्या होते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स दैट मींस अल्फाबेट्स के साथ जो नंबर यूज किए गए हैं इनको हम क्या कहेंगे वेरिएबल्स या फिर लिटरल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें इनको किस फॉर्म में लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है दैट मीन्स पावर फॉर्म में लिखना है सो so, यहां, so, तो, तो, यह यहां क्या दिया हुआ है फर्स्ट में ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए देन टाइम्स सो दैट सिक्स कि ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे ए रेस टू द पावर सिक्सटीन तो ये क्या कहलाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म देन यहां क्या दिया हुआ है थ्री मल्टीप्लाई फाइव सो थ्री मल्टीप्लाई थ्री और फाइव मल्टीप्लाई हो जाएंगे सो थ्री फाइव क्या हो जाएगा फिफ्टीन एंड एक्स कितनी टाइम है वन टू थ्री टाइम सो क्या लिखेंगे एक्स रेज टू द पावर थ्री एंड वाई कितनी टाइम दिया हुआ है टू टाइम सो हम क्या लिखेंगे वाई रेज टू द पावर टू नेक्स्ट क्या दिया हुआ है जेड मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई जेड एंड वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई सो जेड कितनी टाइम है फोर टाइम सो हम क्या लिखेंगे जेड रेज टू द पावर फोर एंड वाई रेज टू द पावर थ्री नेक्स्ट क्या दिया हुआ है पी कितनी टाइम है फोर टाइम सो हम क्या लिखेंगे पी रेज टू द पावर फोर देन यहाँ पे टू है सो so, हम इसको आगे लिख देते हैं सो टू पी रेज टू द पावर फोर देन क्यू कितनी बार है टू टाइम पावर so, टू इसको हम स्क्वायर भी कहते हैं देन आर वन टाइम है सो आर एंड एस वन टाइम है सो so एस तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा टू पी रेस्ट टू द पावर फोर क्यू स्क्वायर आर एस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विथ नंबर ओनली कौन से ऐसे एक्सप्रेशन है जो सिर्फ जिसमें सिर्फ नंबर दिए हुए हैं सो so, यहाँ क्या दिया हुआ है यहां तो वेरिएबल यूज है यहाँ क्या है यहां पे भी वेरिएबल यूज है बट थ्री नंबर में कहीं पे भी वेरिएबल नहीं है तो ये क्या है सिर्फ नंबर एक्सप्रेशन है तो सही आंसर क्या है थर्ड नेक्स्ट फाइव ये भी सिर्फ नंबर है यहाँ पे वेरिएबल है यहाँ पे भी वेरिएबल है एंड यहाँ पे भी वेरिएबल है तो हमारा आंसर क्या होगा थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ ए इज इक्ल टू थ्री एंड बी इज इकल टू फोर दट मीन्स जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनको हमें ए की वैल्यू थ्री और बी की वैल्यू फोर लेके सॉल्व करना है सो so, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है ए प्लस बी सो एज इकल टू थ्री एंड बी इज इकल टू फोर एंड पहला है हमारा एक्सप्रेशन ए प्लस बी सो हम क्या लिखेंगे ए की जगह हम क्या लिखेंगे उसकी वैल्यू जो कि थ्री है सो so, थ्री प्लस देन बी है सो so बी की वैल्यू लिखेंगे फोर अब थ्री प्लस फोर कितना हो जाता है सेवन सो हमारा आंसर क्या है सेवन नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है ए माइनस बी सो ए की जगह हमें क्या रखना है ए की वैल्यू थ्री है माइनस बी की वैल्यू फोर है सो so यहां पे इन दोनों के बीच में माइनस है तो क्या जाएगा फोर माइनस थ्री वन बट बिगर नंबर के सामने क्या है माइनस है सो so आंसर भी किस में आएगा माइनस में सो so, हमारा आंसर क्या है माइनस वन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है टू ए माइनस बी सो टू एज इट इज अब यहाँ पे हम बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे क्यों क्योंकि जब दो नंबरों के बीच में या दो वेरिएबल्स के बीच में या नंबर या वेरिएबल्स के बीच में कोई सा भी सिंबल नहीं है दैट मीन्स उनके बीच में मल्टीप्लाई है सो so, हम क्या लिखेंगे टू मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है थ्री देन माइनस बी की वैल्यू क्या है फोर सो so, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे सो so, क्या हो जाएगा टू थ्रीजा सिक्स माइनस फोर एंड सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू टू सो हमारा आंसर क्या है टू क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है थ्री ए बी माइनस फोर बी प्लस फाइव सो थ्री को हम एज इट इज लिख देंगे मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है हमारे पास थ्री एंड बी की वैल्यू क्या है फोर माइनस फोर बी की वैल्यू क्या है फोर देन प्लस फाइव अब हम इनको क्या करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो थ्री थ्री जा नाइन एंड नाइन फोर जा क्या होता है थर्टी सिक्स तो हम क्या लिखेंगे थर्टी सिक्स माइनस देन फोर फोर जा क्या होता है सिक्सटीन देन प्लस फाइव सो सबसे पहले हमने सारे मल्टीप्लाई सॉल्व की देन क्या करेंगे हम प्लस करेंगे सो so, इसके सामने प्लस का सिंबल है कुछ नहीं है दैट मीन्स प्लस का सिंबल है सो so, इसके सामने प्लस का सिंबल है एंड फाइव के सामने प्लस का सिंबल है तो so, हम इन दोनों नंबरों को प्लस करेंगे सो थर्टी सिक्स प्लस फाइव क्या हो जाएगा फोर्टी वन माइनस सिक्सटीन जब हम थर्टी सिक्स से सॉरी फोर्टी वन से सिक्सटीन को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा ट्वेंटी फाइव so, सो हमारा आंसर क्या है ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइव ए स्क्वायर माइनस टू ए बी सो फाइव की जगह हम फाइव ही लिखेंगे एज इट इज मल्टीप्लाई ए स्क्वायर दट मीन्स ए की वैल्यू क्या है थ्री सो थ्री स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई ए की वैल्यू थ्री है मल्टीप्लाई बी की वैल्यू फोर है सो so, अब हम क्या करेंगे फाइव मल्टीप्लाय थ्री थ्री जी क्या हो जाएगा थ्री स्क्वायर मीन्स थ्री मल्टीप्लाय थ्री सो थ्री थ्री जो माइनस इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सो टू थ्री सा क्या हो जाएगा सिक्स एंड सिक्स फोर सा ट्वेंटी फोर देन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव नाइन हो जाएगा फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर अब फोर्टी फाइव से जब हम ट्वेंटी फोर को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा ट्वेंटी वन इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको सेल सोल्व करना है ए क्यूब है माइनस बी स्क्वायर है सो so ए की वैल्यू को आपको थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना है और बी की वैल्यू को टू टाइम मल्टीप्लाई करना है और दोनों के आंसर्स को माइनस कर देना है